लाइव टीवी एस प्लस द नंबर वन न्यूज चैनल। पैसे को लेकर दो पाटीदारों में हुआ आपसी विवाद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रही है छानबीन। बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के अतरसुआ गांव में दो पाटीदारों में पैसे को लेकर हुआ आपसी विवाद। आपको बता दें कि अभिषेक सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपने ही बड़े पिताजी के लड़के सत्य प्रकाश सिंह पर 2 लाख रुपए लेकर और फिर न देने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा सुनी होते होते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष के विनोद सिंह के हाथ में फ्रैक्चर इत्यादि चोटें आई हैं और उनकी पत्नी के सिर में भी चोटें आई हैं। अभिषेक सिंह का आरोप है कि मेरे बड़े पिताजी के लड़के और अन्य लोगों ने मिलकर मेरे घर में घुसकर दरवाजा तोड़ा, उसके बाद मेरे माता पिता को मारा पीटा और मेरे पिताजी को छत से नीचे फेंक दिया गया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं और मैं न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूँ। 3 महीने हो गए लेकिन मुझे अभी तक सही तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा है। भैया आप रेडी हैं? हाँ। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। समस्या क्या है आपकी? समस्या ये मेरा है कि मेरे बड़े पिताजी के लड़के सत्य प्रकाश सिंह मेरे से 2 लाख रुपया लिए थे बेंगलोर में, और जब मैं पैसा मांगने गया तो मेरे को जान से मारने की धमकी दिए, और जब थाने पर ये बात पहुंची तो थाने पर बोले कि ठीक है मैं पैसा दे। समस्या क्या है आपकी? समस्या यही कि मेरे लड़के से पैसा लिए थे और पैसे के लेन देन के लिए रात में पी करके आए 8 बजे 9 बजे रात में, और हम घर में ऊपर छत पर सो रहे थे और 4 लोग मनोज सिंह, सत्यप्रकाश सिंह, राजेश सिंह और बिक्कू सिंह ऊपर चढ़ करके हमको वहाँ मारे और ऊपर हम बेहोश हो गए और दीवार तोड़ करके मेरे ऊपर से नीचे बिक दिए। मौके पर दरोगा जी आए थे और हमको बढ़िया हॉस्पिटल में भेजे। परिवार में आपके अतिरिक्त कौन कौन था उस समय? हमारी औरत थी, हमारी औरत को पहले मारे, बहू आई थी, बहू को भी ढकल दिया, मोबाइल था। क्या इस घटने की वारदात आपके परिवार के अतिरिक्त अपना गांव का और कोई सदस्य जानता? हाँ, गांव गिरने के बाद आए सब, आधा घंटा में हर काम हो गया। कितने देर में पहुंची पुलिस? आधा घंटे में आई तब घटना, उन्होंने भाग गए, भागने के बाद पुलिस आ गई दरवाजे पर हमको अस्पताल में। पुलिस अब तक 1 महीने से ऊपर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं की, उन लोग 1 महीना थे डेली पीते खाते थे और कोई गिरफ्तारी नहीं किए और कोई उन लोग को बंद नहीं किया। अब कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? हमारा चोट तो पहले सिर फट गया था, सिर पर मार दिए एक ईटा पूरा, इतना 8 टका लगा, और पंखा टूट गया, गट्टा टूटा है, एक बाएं उठ नहीं रहा अभी तक।